नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर और मैं सुशील कुमार। कभी गौरक्षा के नाम पर तो कभी बच्चा चोरी के नाम पर तो कभी मामूली सी बात पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं अब हमारे देश में मामूली सी घटनाएं होती जा रही हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में बीते दिन मदरसे में पढ़ने वाले 8 साल के मोहम्मद अजीम की कुछ स्थानीय गुंडों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल अजीम के परिजन मेवात में रहते हैं और उसे यहां मदरसे में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते गुरुवार को अजीम मदरसे के बाहर खुली जगह में बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान कुछ संदिग्ध युवा वहां आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो युवा शराब वगैरह पीकर वहां पर उपद्रव मचाते थे, जिसका बच्चे विरोध कर रहे थे। इसी से खफा होकर आरोपी युवकों ने अजीम नाम के छात्र को पहले बेरहमी से पीटा और उसके बाद आरोपियों में से एक ने उसे उठाकर पास में खड़ी मोटरसाइकिल पर दे मारा, जिसके बाद अजीम बुरी तरह से जख्मी हो गया, बोलती बंद हो गई। गंभीर हालत में अजीम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे सहयोगी अल्फराज इस पूरी स्टोरी को कवर करने के लिए मालवीय नगर के उस मदरसे में पहुंचे जहाँ पर अजीम की हत्या की गई। अजीम के साथ खेल रहे उन बच्चों से भी बात की जिनके सामने अजीम की बेरहमी से हत्या की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मालवीय नगर में, यहाँ पर बीते एक दिन पहले यहाँ पर अजीम नाम के 8 साल के बच्चे की बुरी तरीके से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हम आपको दिखाएंगे कि ये वो दरगाह है, यहाँ पर वो 8 साल का मासूम अजीम यहाँ पर खेल रहा था और किस तरीके से यहाँ पर उसे उठाकर बाइक से दे मारा और उसकी बुरी तरीके से उसकी हत्या हो गई। हम आपको दिखाएंगे, हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे किस तरीके से दिखाइए, यहाँ पर वो बच्चा खेल रहा था और इसी जगह पर वो खेलते हुए दूसरी और जो लोग आए उन्होंने इस अजीम को लेकर उसे बुरी तरीके से मारा। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा वाक्या था, क्या हुआ था। जी, सुबह 8:30 से 9 बजे करीब का वाक्या है जी। और मतलब काफ़ी बच्चे थे जो अपने कुरान शरीफ पढ़ने वाले, वो सुबह अपने गए थे घरों पे नमाज अपने कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, जैसे बुलाते हैं कि भाई घर आके सुबह सुबह कोई कुरान पढ़ दे। तो बच्चे गए थे, 4 बच्चे या 5 बच्चे करीब यहाँ रह गए थे, छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे थे। तो उसमें से एक अजीम था, वो 8-8.5 साल का बच्चा है वो भी। तो वो खेलने लगे यहाँ पे, जैसे सफाई वफाई कर रहे थे, कुछ उठा के चल इधर उधर कर देते हैं, पत्थर वत्थर पड़े थे, सब आपस में खेलने लगते छोटे छोटे बच्चे। तो यहीं पर रिक्शा और वो बाइक वगैरह खड़ी थी, वो 2-4 बच्चे आए अंदर से, वो 17-18 साल का लड़का एक शायद उनमें से, और कोई 12 साल का था, कोई 13 साल का था, मतलब थे सही ठीक ठाक, ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे। तो वो आके यहाँ पत्थर वत्थर मारने लगे, उन्होंने कहा कि भाई हम सफाई कर रहे हैं, आप लोग ऐसे पत्थर ना फेंकें। तो यहाँ पे है वो, काफ़ी टाइम से पहले से रंजिश चल रही है इनकी, बहुत पुरानी रंजिश है। तो उन्होंने आके उसको धक्का वक्का दिया बच्चे को, वो अपने आपस में लड़ने लगे। तो उसने दूसरे वाले ने उसको उठा के ऐसे पटका, तो बाइक और उसके रिक्शे के बीच में आगे लगा और उसकी मतलब कोई बोल नहीं निकले दोबारा। तो फिर मौलाना ने देखा, मौलाना बैठे हुए थे, कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं आई। तो एक कैमरा है CCTV यहाँ पे सामने, अच्छा इससे पता चला कि क्या हुआ, बाकी यही है। और फिर कंप्लेंट करी, पुलिस आई, करीबन 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। फिर बाकी का अभी चल रहा है जो भी है, बट लेकिन अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और ना कुछ बता रहे हैं। बस ये गेट है जो ये बंद कराने के लिए बैठे हैं सब लोग हम, अगर ये गेट बंद हो जाए तो आगे की जो बातें वो कभी फिर बने ना। हाँ, तो वो सुनने में आ रहा है जो एक महिला है और जो बाकी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, वो सरोज नाम की एक औरत है, यहाँ लीडर है उनकी, वो स्लम्स की। अच्छा, तो वो कह रही है कि अभी तो एक मारा है और भी मारेंगे, और कुछ लड़के भी हैं जवान, मतलब शराब वराब पी के वो बोल के गए कि हम तो दोबारा ये करेंगे। मोहम्मद अजीम नाम का एक लड़का था जो इस मदरसे का तालिब इल्म था, तकरीबन 8 साल का था। और मामूल के मुताबिक पढ़ाई होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, बच्चा आमतौर से जो बच्चा ही होता है, खेलने का काम करता है। बच्चा बच्चों के साथ मिलकर यहाँ खेलने का काम शुरू किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मज़ार है, ये मस्जिद है और यहाँ बच्चे खेल रहे थे। तो इस मोहल्ले के कुछ, ये बगल मदरसा मोहल्ले हैं, मोहल्ले के कुछ बच्चे आमतौर से आया करते थे, जो सामाजिक तत्व हैं, उनका माहौल ऐसे ही था कि सिर्फ झगड़ा करना, मारपीट करना, ऐसे ही मामूल के मुताबिक वो भी आ गए और बच्चे में थोड़ा सा आनाकानी हुआ और होने के बाद उसको मारने लगे। और यहाँ तक इतना मारे उसको कि मतलब उसके सर में चोट लग गया, उसको धक्का दिए और दीवार से टकराया और ब्रेन हेमरेज हो गया। लोगों ने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वहाँ पे उसको मुर्दा साबित कर दिया गया। अजीम के साथ जो बच्चा मौजूद थे, 4 बच्चे मौजूद थे, उसमें से एक बच्चा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इसका नाम फैज़ान है। फैज़ान से पूरा मामला जानेंगे कि फैज़ान हुआ क्या था उस टाइम, तुम खेल रहे थे, कौन लोग आए थे वहाँ पर? यहाँ पे ऐसा आए थे झुग्गी वाले लोग आए थे।
क्या कह रहे थे वो? गाली वाली बक रहे थे, फिर पत्थर उत्थर फेंकने लगा, फिर गाली उन्हें देने लगा, फिर उसके बाद घुसने लगा मेरे सामने से एक बच्चा को, अजीम को जो मेरे साथ ही थे, उसको बीच से खींच कर सब बच्चे ने मारे, पांच बच्चे थे वो लोग। तो क्या कहा तुमने, अजीम ने क्या कहा था? अजीम तो कुछ नहीं कहे। तो वो आए और क्या कहने लगे, ईंट मारने लगे? हाँ, वो तो गाली वाली देने लगे। अच्छा, गाली देने लगे। तो कितने बड़े बच्चे थे वो, क्या क्या खेलने आए थे? 14 साल के थे वो लोग। 14 साल के करीब के थे जी। अच्छा, तो तुम क्या खेल रहे थे वहाँ पर, क्या खेल रहे थे? खेल रहे थे इसी अंदर गिल्ली डंडा। यहाँ गिल्ली डंडा खेल रहे थे? अच्छा, तो वो आए इधर, किधर साइड से आए थे वो? उसी उधर गेट से आए थे, उधर से आते वो जहाँ। अच्छा, जहाँ पुलिस खड़ी है वहाँ से लोग आए थे, तो आए और आकर तुम्हें मारने लगे जी? रोजाना आते हैं यहाँ, शराब दारू। अच्छा, सब चीज गांजा वांजा पीते रहते हैं, सब पीते हैं। तो यहाँ के लोग मना करते हैं उन्हें कि यहाँ मत आया करो, तो रोजाना का काम है उनका झगड़ा करना मारना। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत मरतबा हो चुका है, बहुत मरतबा हो चुका है। रात के टाइम आते हैं ज्यादा, रात के टाइम आते हैं ज्यादातर बच्चे, जब बच्चे सो जाते हैं तब कोई रहता नहीं है यहाँ पर मना करने के लिए, तब यहाँ पर आकर दारू पीते हैं दरगाह के अंदर जाकर। बहरहाल, देश की राजधानी में जहाँ से हुकूमतें चलती हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक मौजूद हैं, वहाँ पर किसी मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर देना पूरे सिस्टम, सरकार और कानून व्यवस्था पर तमाम बड़े सवाल खड़े करती है। ऐसी घटनाओं को सोचकर कई बार डर लगता है कि हम कैसे और कितने नफरत भरे माहौल में जी रहे हैं, जहां कभी कोई मामूली से गुंडे किसी की भी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। आखिर कहां से आ रही है लोगों के जहन में इतनी नफरत? आखिर कहां मर गई इनकी इंसानियत, कहां चली गई इनकी गैरत? ना कानून का खौफ, ना ही इसकी परवाह कि किसी के घर के चिराग को बेरहमी से मार देने के बाद उसके माँ बाप पर, भाई बहन पर क्या गुजरेगी? इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ दिया जो इससे जीने का हक ही छीन लिया गया, वो भी बेरहमी से पीट पीट कर। दिल्ली पुलिस को मुजरिमों की तलाश करनी चाहिए, फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल को भी इस घटना पर बोलना चाहिए, और पीएम नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में ही रहते हैं, उन्हें भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। आखिर क्यों रोक नहीं लग पाती इन घटनाओं पर? मॉब लिंचिंग में मारे गए मुस्लिम बच्चों की, बच्चे की यह हत्या को कोई पहला वाक्या नहीं है। इससे पहले भी तमाम मुस्लिम युवाओं की, बुजुर्गों की और अधेड़ उम्र के शख्सों की हत्या की जा चुकी हैं, कभी गौकसी के शक में तो कभी बच्चा चोरी के शक में। सवाल यही है कि आखिर क्यों खौफ का ये माहौल बनाया जा रहा है? आखिर कब शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाने वाले ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? फिलहाल प्राइम टाइम खबर में सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।